And by there, 1, 2, 3. सुबह मैं का कुत्ता कहाँ से आ गया बाइकों में कुत्ते भी भेज भाई ये रीटेक हो रहा है। एक चीज बताना चाहता हूँ, बचपन से जब भी जवानी आती है एंड बचपन में जब जवानी आती है और स्पेशली जब धूम मूवी आई थी तब बंदे का एक ड्रीम था कि हायाबुसा यार तू पागल है यार तू चौथा हो गया फिर से टेक फोर। तो स्पेशली धूम मूवी देखने के बाद बंदे का एक ड्रीम होता है कि वो एक सुपर बाइक ले। एंड मैं कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाला था जो मैं रिग्रेट करता शुरू में, बट देन आई थिंक आई मेड अ एक्सेलेंट चॉइस एंड दिस बाइक इज वेरी गुड। अनबॉक्सिंग के बाद बात करेंगे, बट देन ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू फॉलो योर ड्रीम्स, इफ यू वर्क हार्ड, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। अपने गोल्स बना के रखो, फोकस उस पर रहेगा तो यू विल फाइंड वेज टू फिगर थिंग्स आउट टू गेट दैट। सो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बोरिंग नहीं करते। हमारे साथ आज जादू दिखाने वाले अभिषेक भैया है जिनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप फॉलो कर सकते हो। वो डिपेंड करते हैं अगर ये आज वीडियो अच्छी बनाए तभी करना। हाँ, नहीं तो हम हर वीडियो में इनका लिंक डालेंगे और हर वीडियो आप इनको ढूंढ सकते हो। रूम मजानी है इधर भी इधर भी। हमारे साथ है विक्रम सिंह जी जो चलाते हैं टाइगर XCX जो इन्होंने अभी लिए कल लिए। एंड देन हमारे दाढ़ी वाले भैया है, आज हमारा भाई फाइनली कुछ ले रहे हैं फाइनली लोगों को मुझे लग रहा है। तो इसकी स्टोरी आपको कभी विस्तार में बताएंगे, एक बार बाइक तो देख लो कौन सी है। बट देन मीटअप था भाई का, बहुत अच्छा हुआ। हाउ वाज योर रिएक्शन एंड रिस्पांस? ओवरवेलमिंग, और मैंने सोचा था सिंगल डिजिट में भी बिलो 5, वो अब 15 था। हाँ। तो वो बहुत अच्छा लगा देख के यार। मैं कभी किसी के में जाता नहीं था मीटअप में, जैसे मेरे भी किसी जानने वाले होता था, अब ना थोड़ा लगा कि यार जब नहीं जाते तो लोगों को कैसा लगता होगा। बट आज हाफ सेंचुरी तो मार दी थी, 50 लोग आ रखे थे। हाँ, भीड़ भाड़ तो अच्छी खासी थी भाई, भाई बंदे बढ़िया थे, खूब बातें करिए और हम बोलेंगे सर। और लेकिन भाई को थैंक यू, इन्होंने मेरे मीटअप के लिए अपनी अनबॉक्सिंग डिले करी। वो तो करनी थी, वो तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें ब्लॉग के लिए बोलनी पड़ी। इज्जत दे रहे, इज्जत चाहिए नहीं बंदे को, मत दो भाई, ठीक है कोई बात नहीं। और बाकी हमारे साथ है यहाँ पे मांगी हुई बाइक पे बैठे हुए शशांक भैया, जो खरीद नहीं पाएंगे भैया, मेरी और ब्रेड बाइकर की दोनों की जाएगी। तो भाई मेरे सामने खड़ी है मेरी सवारी जो मैं आज नहीं चला। हाँ, तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मैं बाइक आज नहीं चला सकता बिकॉज सैटरडे है, हमारे घर में थोड़े मानते हैं कि सैटरडे को लोहा घर नहीं लेके आना चाहिए, तो बाइक मैं कल चलाऊंगा। बट देन आज अनबॉक्सिंग होने वाली है एंड पीछे हमारे बक्सा खड़ा है। बहुत अच्छा हुआ, दूसरी चीज एक सस्ती सी सही बट अच्छी चीज बाइक आ रही है। अब फाइनली लोग कह रहे थे भाई बजे ले रहा है भाई ने, लोग खड़ी है ये रही। सो गाइज ऑफिशियल अनबॉक्सिंग स्टार्ट होने वाली है, सो लेट्स बिगिन। चलो
ऑफिशियली कहा था कि कल सारा केक कटिंग होगी, बट देन आज मेरे भाइयों ने मेरे लिए स्पेशल कुछ करा है। ये पद्मश्री तुम्हारा, ये डंडा तुम्हारा, इधर से सूंघा उधर से मैं अच्छी है अभी शिका था। ये 10 लाख वाली है क्या? 10 लाख वाला कितना ही मिलता है? 15 खर्चे तो भूसा मिलती। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। पीस देनी है? नहीं बस, नहीं बस आज के लिए इतना ही। ये देखो भाई, कावासाकी के शोरूम में इन्हें आतंक मचा रखा है। क्या कर रहे हो आप? अब दिखाते क्या कर रहा है। एक बंदा वीलिया मार रहा है यहाँ, एक बंदा ड्रोन उड़ा रहा है। गाइस, बाइक की अनबॉक्सिंग हो गई है, अभिषेक ने अच्छे से शॉट्स ले लिए हैं, एंड आई होप आप लोगों को ये मॉन्टाज पसंद आया होगा, बिकॉज ही इज़ वर्क्ड अ लॉट, बहुत मेहनत करके उसने ये आउटकम करा है, एंड बहुत अच्छा लगा। लाइक द होल एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ न्यू बाइक इज़ वंडरफुल। एंड दूसरा, अब इतना डिले क्यों हुआ? डिले भाई इसलिए हुआ बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग गया। लाइक इनिशियली आई थॉट ऑफ वर्सेस 650, मैं वर्सेस 650 ट्राई करने आया, वो मैंने एक दिन के लिए चलाई, आप लोगों ने ब्लॉग्स देखे, बट देन आई डिड नॉट लाइक कि पावर कम लग रही थी। एंड एक चीज़ है भाई, पावर ज़्यादा हो जाए वो चलता है, वो आपके कंट्रोल में, बट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो बाद में यू रिपेंट कि मैंने क्यों ले लिया। तो वो था, देन उसके बाद मैंने ली Z900, मैंने बुकिंग अमाउंट पे कर दी Z900 की, मैं 50,000 मैंने बुकिंग अमाउंट पे करा, एंड आई वाज लाइक कि मैं ये बाइक लेके जा रहा हूँ, बट देन मैं BIC वो बाइक लेके गया। बीच में माइनर इशूज थे, जैसे सीट थोड़ी इतनी कुशनिंग अच्छी नहीं थी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज मैं थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस को भी सोच रहा था, बिकॉज हम लोग कुछ राइड्स प्लान कर रहे हैं। एंड दूसरा, विंड ब्लास्ट बहुत था, बिकॉज आगे वाइजर में उसका भी सोल्यूशन होता है, बट देन ओवरऑल आई फेल्ट कि मैं 8-8.5 लाख रुपये खर्च रहा हूँ, अगर मैं 2-3 लाख रुपये और खर्चूंगा तो आई कैन गेट अ बेटर डील। एंड इस बाइक में पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, पावर मोड्स हैं, एंड ओवरऑल बाइक इज़ वेरी कम्फर्टेबल। अच्छा सा वाइजर लगा हुआ, विच इज यू नो इट हैज़ 3 मोड्स, वो सारा हम डिटेल में करेंगे, बट देन ओवरऑल आई थिंक आई मेड अ वंडरफुल डिसीजन। एंड बाइक बहुत सस्ती, लाइक 9.99 एक शोरूम, एंड ऑन रोड 11.5 के आसपास पड़ती है, इससे ज़्यादा भाई क्या चाहिए। एंड दूसरी बात, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड आप लोगों को बाइक का शौक है या कोई भी एम्बिशन है लाइफ में, गाइस ट्रस्ट मी, जो मैंने शुरू में बोला था कि आप मेहनत करो, गोल रखो, आप 100% वो अचीव कर लोगे नो मैटर वॉट। रही बात फ्यूचर प्लान्स की, कि मैं फूड ब्लॉगिंग करने वाला हूँ नहीं करने वाला, वो मैं कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज गाइज देर आर 2-3 थिंग्स जो मेरी लाइफ में बहुत अच्छी लगती है एंड आई लव डूइंग दैट। वन इज़ ईटिंग फूड, वन इज़ एक्सरसाइजिंग, एंड यू नो आई एम ट्राइंग टू कीप अ गुड लाइफस्टाइल, एंड तीसरा बाइक तो था ही, बचपन से शौक था। 12th में बाइक ली थी, एक्सीडेंट हुआ, बेडरिडन हुआ, घर वालों ने बाइक बिकवा दी, बट देन अब आई एम बैक एंड दिस टाइम गोना बी मोर केयरफुल। राइडिंग गियर हमने सारा कंप्लीट ले लिया है, एंड अगर आप लोग चाहते हो मैं अलग से एक वीडियो करूँ कि मैं राइडिंग गियर क्या है और कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ, कमेंट कर देना, उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एंड आप लोगों को पूरा टिप्स देंगे एडिटिंग वगैरह का और सारी चीज़ों का। एंड दूसरा अभिषेक भैया ने, जो आपने इससे पहले क्लिप्स देखे थे, वो सारा एडिट इन्होंने करा, मैंने तब से लगा हुआ था, पूरी वीडियो इसने बनाई है, तो इसके चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो वो ज़रूर देख लेना, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को थम्स अप दे देना, बिकॉज शेयर हमने बहुत हार्ड वर्क करा है, एंड बाइक इज़ वंडरफुल। इन डेप्थ एक्सपीरियंस बताएंगे थोड़े टाइम होने के बाद, अभी बस थोड़ा बहुत सामान रह रहा है बाइक का, बाइक में अभी नीचे पूरे फ्रेम स्लाइडर्स लग रहे हैं एंड 2-3 एक्सेसरीज लग रही है। सो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग एंड करते हैं, थोड़ा छोटा सा बना था बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो ओनली अनबॉक्सिंग, एंड मैंने ये प्लान करा होता है कि सिनेमैटिक ये पूरा वीडियो बनाएंगे। एंड इसी के साथ अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, बिकॉज उसी से हम लोग ग्रो करेंगे एंड आप लोग का प्यार मिलेगा तभी ये चैनल ग्रो करेगा जल्दी जल्दी, एंड हम लोग और नई नई बाइक्स लेंगे एंड टारगेट रखेंगे नेक्स्ट ईयर कुछ डिफरेंट बाइक लेने का। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग, जो होगी डिलीवरी कल बाइक की।